हे गाइस, कैसे आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान को लेकर, जो कि अभी भी लगातार ट्रेंडिंग में बनी हुई है 8 दिनों से, और ना जाने कितने सारी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को उसने ब्रेक कर दिया है और बन चुकी है इस वक्त बॉलीवुड सिनेमा की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म पठान और गदर 2 के बाद में। जी हाँ, इस फिल्म ने सभी को पीछे कर दिया है, बॉलीवुड की सभी फिल्मों को, चाहे वो आमिर खान की दंगल हो या फिर ऋतिक रोशन की वॉर या फिर रणवीर सिंह की संजू, रणवीर कपूर की। इस फिल्म ने ऑलमोस्ट सभी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है और बन चुकी है तीसरी सबसे बड़ी फिल्म, जहां पर फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ प्लस के क्लब में एंट्री ले ली है। और ये फिल्म आज भी 3 करोड़ प्लस की एडवांस के साथ स्टार्ट हुई है, जहां पर इसकी ऑक्यूपेंसी एवरेज देखी जा रही है 28 से 30% की मॉर्निंग शो से ही। और इस फिल्म के ऑल ओवर कलेक्शन की बात की जाए तो ये फिल्म आज कलेक्शन कर सकती है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ प्लस, इंडियन क्रॉस कलेक्शन आ रहा होगा 22 करोड़ प्लस, तो वहीं पर ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ की रेंज में कलेक्शन कर रही होगी, जहां पर फिल्म का ऑल ओवर अपडेटेड कलेक्शन निकल कर आ रहा है अपने शुरुआती 8 दिनों के लिए 700 करोड़ प्लस। बजट है फिल्म का सिर्फ और सिर्फ 250 करोड़ रुपये, यानी कि फिल्म ने अपने बजट की रिकवरी के बाद ऑलमोस्ट 450 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है, वो भी सिर्फ 8 दिनों में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर 400 करोड़ के क्लब में एंट्री ले लिया है, और वहीं पर ये रिकॉर्ड गदर 2 ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था 12 दिनों के अंदर अंदर। ऐसे में आप लोगों ने जवान देखी तो आपको फिल्म कैसी लगी, आपकी राय क्या है, ओपिनियन क्या है, कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। और फिल्म आपने देख ली तो कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।